नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर लेके आ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो विथ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 वन लाइनर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक MPPSC, UPPSC, रेलवे, बैंकिंग या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो सभी में आपको पता है कि स्पोर्ट्स जीके एंड साइंस जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें हमने टॉप 35 वन लाइनर क्वेश्चंस को शामिल किया है, और विद फुल एक्सप्लेनेशन हम आपको किन किन तरीकों से एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है उसको हमने इसमें शामिल किया है। और जो सबसे बेसिक यूनिट होती है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की, जो कि है सेल, ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट है, यानी सेल एंड द स्टडी ऑफ सेल, जिसको कि हम साइटोलॉजी कहते हैं, उससे रिलेटेड मेनली हमने इस वीडियो में फोकस किया है। धीरे धीरे हम आपको फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम कहते हैं सेल या कोशिका के नाम से उसे जाना जाता है, और जो बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर होती हैं, उनका ग्रुप मिलकर बनाता है टिश्यूज, जिन्हें हम ऊतक कहते हैं, और सेम टाइप्स के जो टिश्यूज होते हैं वो मिलके बनाते हैं ऑर्गेन यानी कि अंग, और बहुत से जो अंग होते हैं वो आपस में मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो सिस्टम हमारे, तो वो साइंस जो कि मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, यानी सभी जितने भी हमारे ऑर्गेन सिस्टम्स हमारे बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं और हमारी लाइफ के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है शरीर क्रिया विज्ञान में, यानी कि बात की जा रही है फिजियोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ऑल ऑर्गेन सिस्टम्स ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सभी ऑर्गेन सिस्टम की स्टडीज का अध्ययन है वो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि शरीर की संरचना का अध्ययन किस साइंस के किसके अंतर्गत किया जाता है, तो संरचना यानी बता दें आपको स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शरीर के कार्य का अध्ययन यानी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी या फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेन सिस्टम्स इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी, आपको पता है सभी ऑर्गेन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सभी ऑर्गेन सिस्टम्स का फंक्शनिंग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले, कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो साइटोलॉजी की या हमारे ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, तो एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सभी को पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हम आपको अलग से बना के बता देते हैं। सपोज ये सेल है, तो जो सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से। जी हाँ दोस्तों, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, इसे शेप प्रोवाइड करती है, और सभी जो इंटरनल ऑर्गेनल्स है यानी सेल ऑर्गेनल्स है उन सबको ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए, अगर हम एनिमल सेल की स्पेशली बात करते हैं तो ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस कहलाता है, और प्लांट सेल में ये जो है न्यूक्लियस वो साइड में होता है, तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस हो गया आपका। न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सेल में, इसे ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल DNA को कंटेन करते हैं, और साथ ही साथ सेल डिवीजन में यानी एक सेल से दो नई सेल्स का निर्माण, फिर दो नई सेल से
4 नई सेल्स का निर्माण, यानी कि जो नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ती हैं वो न्यूक्लियस में डिवीजन के कारण ही बढ़ती हैं, तो इसे ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसमें जो फ्लूइड होता है जो पूरे सेल में फैला होता है, जो लिक्विड होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। किस नाम से जाना जाता है? साइटोप्लाज्म। और दूसरा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ फ्रेंड्स हम जानते हैं प्रोटोप्लाज्म के नाम से, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं, तो ये जो छोटे छोटे से जो ग्रेन्यूल्स पूरे सेल में पाए जाते हैं, ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेन्यूल्स लाइक, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब राइबोसोम्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किस सेल ऑर्गेनेल को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं सेल के अंदर, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सभी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल हैं, इन सब का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हम इनको नाम देते हैं। तो जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम्स का, वो क्या होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की ओर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की ओर मूव करने से पहले आपको राइबोसोम्स के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो या तो फ्री फॉर्म में पूरे सेल में पाए जाते हैं, या आप देख रहे हैं कि या तो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, यहाँ पे आप ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये इसकी सरफेस से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये दो लोकेशंस होती हैं राइबोसोम्स की। नेक्स्ट मूव करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर, जिसे हम ER भी बोलते हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो ये RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, और अगर नहीं पाए जाते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तो इन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आपका है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी यहाँ पे जो है एनर्जी का जनरेशन होता है। और नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो हम आपको बता देते हैं गोल्जी एपरेटस, जिसे ट्रैफिक पुलिस या फिर मेल रूम ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल और है, यहाँ पे देख लीजिए लाइजोसोम्स। ये जो है लाइजोसोम्स, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, और सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इन्हें सेलुलर गार्बेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पर कभी कभी क्या करते हैं लाइजोसोम्स कि इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सेल को ही, खुद की फंक्शनिंग सेल को ही डैमेज कर देते हैं, तो इन्हें सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। सुसाइड मीन्स अपनी लाइफ खुद खत्म करना। तो लाइजोसोम्स जो है वो सेल की लाइफ को ही खत्म कर देते हैं, तो उन्हें सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। एक और सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे है, देखिए सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स जिसे बोला जाता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपको अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप सभी जो क्वेश्चंस हमने नेक्स्ट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं उनका आंसर आप एकदम सही तरीके से दे पाएंगे। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसे फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऊतकों के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज को किस नाम से जाना जाता है, तो हिस्टोलॉजी के नाम से। देन कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान क्या होता है, तो सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने बता दिया है आपको गोल्जी बॉडीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी वो सेल ऑर्गेनेल होता है सेल का जो कि एक स्टेशन की तरह काम करता है फॉर द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल से या दूसरे सेल से जो सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं उन सबका स्टोरेज मॉडिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। देन कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, ऊर्जा उत्पादन से है। देन कोशिका की करेंसी के रूप में किसको जाना जाता है, तो करेंसी ऑफ द सेल को किसको जाना जाता है, तो ATP को। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ATP के रूप में जाना जाता है। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती हैं जो कि लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके लिए एनर्जी का सोर्स जो है वो ATP ही होता है, इसलिए इसे करेंसी
ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन साइटोलॉजी से पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार जरूर कीजिए। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है, तो पहले ही हमने आपको बता दिया है, लाइसोसोम। देन कोशिका चारों तरफ से जिससे घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। देन प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, तो ब्लड 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो है ब्लड सेल्स और दूसरा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो सेल, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह से एक मकान ढेर सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से हमारा शरीर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं जीवित प्राणी, चाहे वो प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, उनका शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कोशिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है, तो कहाँ नियंत्रण होता है कोशिका के श्वसन का, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम सेलुलर रेस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। और सेलुलर रेस्पायरेशन फ्रेंड्स आपको पता है कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक है आपका ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको मालूम है एनर्जी गिविंग फूड है ग्लूकोज और फैट्स, तो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का बदलना जो है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, और वो साइटोप्लाज्म में होता है, और फिर पाइरुविक एसिड से फिर एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये सेलुलर रेस्पायरेशन के स्टेप्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म ही वो लिक्विड है, वो फ्लूइड है और फ्लूइड ऑफ लाइफ कहलाता है, जिसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स जो जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो राइबोसोम्स हो, चाहे वो सेल गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सेंट्रियोल्स हैं, ये सब साइटोप्लाज्म में ही बिखरे रहते हैं और सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। देन कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम्स को। डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण करना और उनको ले जाना होता है सेल बॉडी की ओर। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जो डेंड्राइट होते हैं तो वो इम्पल्सेस को ग्रहण करते हैं यानी रिसीव करते हैं और फिर किधर ले जाते हैं, तो डेंड्राइट का जो काम होता है वो इम्पल्सेस को कहाँ ले जाते हैं, सेल बॉडी की ओर। बता देते हैं आपको कि कैसे, देखिए ये जो है, ये जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर है कि ये जो स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, ये इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और ये सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हैं डेंड्राइड्स और इन्होंने इम्पल्सेस को रिसीव किया और किधर की ओर ले जा रहे हैं, ये पोर्शन कहलाता है सेल बॉडी, जहाँ पे न्यूक्लियस है, और फिर सेल बॉडी से एक लॉन्ग प्रोजेक्शन जो निकलता है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन। तो सेल बॉडी से इम्पल्सेस किधर की ओर ले जाए जाते हैं, एक्सॉन की ओर, और एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल्स की ओर इन इम्पल्सेस को ले जाया जाता है और फिर ये ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप पूरे वीडियो को जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू साइटोलॉजी, तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, अभी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का अपलोड का नोटिफिकेशन मिल सके आपको और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है, तो कोशिका के नाम से। मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। देन एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं, तो सभी को पता है कि 5 मिलियन। देन नेक्स्ट, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है, तो ये मेनली बनी होती है वाटर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो द्रव्य की बात हो रही है फ्लूइड ऑफ द लाइफ, साइटोप्लाज्म। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है, तो जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसमें मेनली डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये देखिए। और
जो है ये यही जो है डिसाइड करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, सॉरी ये ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से और फिर नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट्स के थ्रू। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फादर एंड मदर के क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है और ये गैमेट फॉर्मेशन दिखाया गया है कि किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होता है और ये ट्रांसफ़र होके क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स में या बच्चों में पहुँचते हैं। तो न्यूक्लियस जो है इसीलिए ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है क्योंकि ये ओवरऑल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने के साथ 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 सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ओबम के नाम से। और पुरुष की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पर्म के नाम से। यानी जर्म सेल्स की बात हो रही है, गैमेट सेल्स की बात हो रही है जो कि रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं। देन पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को, यानी जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के बाद जो बनता है स्ट्रक्चर, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जाइगोट के नाम से। देन न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और किस आधार पर व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है? तो डीएनए जांच के द्वारा, क्योंकि डीएनए जो होता है वो सभी इंडिविजुअल्स में डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, तो इस आधार डीएनए के जांच के द्वारा ही पहचाना जा सकता है इंडिविजुअल्स को। और जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने 3 लॉज दिए थे जेनेटिक्स से रिलेटेड और उसी के आधार पर इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हियर आई हैव फिनिश्ड 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइटोलॉजी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें।